नमस्ते दोस्तों, मैं मनु श्रीवास्तव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने शो में, जिसका नाम है बातों बातों में। तो दोस्तों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक ऐसे लेखक, एक ऐसे कवि जो साहित्य की हर विधा में पारंगत हैं। चाहे वो गीत हो, संगीत हो, कविताएं हो, गद्य हो, पद्य हो या और कोई विधा, जिनको हाल ही में अपनी पुस्तक निंदा रस के लिए महाराष्ट्र साहित्य एकेडमी से नवाजा गया। तो आइए स्वागत करते हैं महेश दुबे जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि साहित्य के प्रति ये जो लगाव आपका हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं बचपन में स्कूल में जाने से कतराता था और कार्टून्स पढ़ता था जी, तो वहीं से मुझे लत लग गई किताबें पढ़ने की। जी जी। कोर्स की किताबें छोड़ के दुनिया भर की सारी किताबें पढ़ने लगा जी, उसमें मुझे रस मिलने लगा और धीरे धीरे वहीं मेरा रुझान हो गया। फिर स्कूल में कभी कुछ प्रतियोगिता हुई, उसमें मैंने कुछ लिख कर पढ़ दिया जी, तो बोलने की भी आदत पड़ गई थोड़ी थोड़ी, तो उसी से मुझे मजा आने लगा, तो इसीलिए मैं इसमें आ गया। तो ये स्कूली दौर से ही आपका ये सारी चीजें थी? जी जी जी। तो फिर अखबारों में जब आपने लिखना शुरू हुआ, वो कैसे शुरुआत हुई, वो जानना चाहेंगे। दरअसल मेरे साथ मेरे दो मित्र पढ़ते थे जो आगे चलकर के एक पत्र के संपादक बन गए और दूसरे राजनीति में बहुत ऊंचे मुकाम पर चले गए जी। तो जब मेरे एक मित्र सामना अखबार के संपादक बने तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मंचों पर बहुत कविताएं पढ़ते हो तो थोड़ा एक कॉलम यहाँ पर चालू कर दो। तो लगभग 2005 या 6 की बात होगी, तब उन्होंने एक कॉलम शुरू किया मेरा, जिसका नाम था डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन जी। तो डायरेक्ट एक्शन नाम का कॉलम मैंने लिखा बहुत सालों तक, लगभग 10 सालों तक लिखा, जिसमें मेरा नाम बनारसी सांड हुआ करता था और सारे लोग मुझसे सवाल पूछते थे, मैं उन सवालों की कविताओं में जवाब देता था। अच्छा। तो अकेला ऐसा कॉलम रहा जो इतने सालों तक चला, जिसमें लोगों के सवालों के जवाब मैंने कविताओं में दिए। तो सर, कोई ऐसा सवाल जवाब जो आपको याद हो अभी, तो हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। एक पाठक ने सवाल पूछा था कि मैंने योगा किया तो मेरी कमर टेढ़ी हो गई। अच्छा। तो मैंने कहा आपने एक्साइटमेंट में ज्यादा कर लिया होगा, तो उसका मैंने छंद में उत्तर दिया, जिस छंद में मैं दिया करता था जी जी, कि बाबा से कहा हमने हमें ये बताइए, बालों के उगने का कोई नुस्खा सुझाइए, बाबा जी बोले बाल की सौगात चाहिए, नाखून को नाखून पे बस घिसते जाए। तो बाबा की बात मानकर हमने घिसे नाखून, मार्च भी घिसते रहे, अप्रैल मई जून, एक रोज जो देखा तो गिरा उंगली में से खून, ना बाल उगा एक भी, सब गिर गए नाखून। तो सर, ये तो हास्य व्यंग था, तो इस तरह की आप करते रहे हमेशा ही सामना में। वो जो कॉलम था उसमें मुख्य स्वर तो हास्य का ही होता था जी जी, लेकिन उसमें बहुत सारी दुनिया भर की समस्याएं लोगों की आती थी, तो मैं हास्य के माध्यम से भी उत्तर देता था जी जी। जैसे मेरी 4 लाइनें हैं कि जिंदगी का कुछ समय मधुमास होना चाहिए, और कुछ कांटों भरा वनवास होना चाहिए, एक ही रस से भरा जीवन कोई जीवन है क्या, एक क्षण हो तृप्ति का एक प्यास होना चाहिए। क्या बात है, क्या जीवन जो है सारी चीजों के साथ चलता है। एक जिस तरह की समस्या आती थी उस तरह का मैं उत्तर देता था, मूल स्वर हास्य का ही है। एक क्षण हो तृप्ति का और एक प्यास होनी चाहिए। क्या एक और 4 पंक्ति इसी पर है कि हमें है फक्र कि हंसने की हम तदबीर रखते हैं जी जी, मगर ये झूठ है कि सुख की हम जाहिर रहते हैं। क्या तुम्हारे दिल में है जो दर्द, ना केवल तुम्हारा है, हम अपने दिल में भी इस दर्द की तस्वीर। क्या बात है, क्या बात है। तो सर, ये जो कविताओं का सिलसिला चला, ये आपकी पढ़ाई को कहाँ तक? नहीं सर, मैंने तुरंत पढ़ाई को तिलांजलि दे दी ना उसी समय। मैं ऐसा हुआ था कि मैं पढ़ाई पर सीरियस रहा ही नहीं कभी जी, जी, जी। जो चलता रहा मुख्य काम तो मेरा यही रहा जी, और मैं साथ में अपना बिजनेस भी करता रहा जी, तो मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मेरे पास कोई डिग्री है नहीं जी जी, लेकिन जीवन की पढ़ाई मैंने बहुत पढ़ी है, उसी से प्रेरित होकर मैं सारी चीजें। सर, जैसे आप बताए कि बनारसी सांड के रूप में आपको लोग जानने लगे, तो आप बनारस जौनपुर से बिलोंग ही करते हैं, तो सर उस बनारसी पन का आपको क्या लाभ मिला यहाँ पर? लाभ तो यही मिला कि बनारस एक बहुत बड़ी पहचान है पूरी दुनिया में जी,
और मैंने इस पर कहा था कि पत्थर में पारस की, पक्षी में सारस की, तिथि में ग्यारस की बात ही कुछ और है और दुनिया में भारत की, भारत में यूपी की, यूपी में बनारस की बात ही कुछ। क्या बात है, क्या बात है, यूपी में बनारस की बात ही कुछ और है। तो सर इस बनारसी पन के साथ जब आप उतरे यहाँ की जमीन पे जो कि बम्बई है, तो बम्बई के लोगों ने आपको किस तरह से पसंद किया या आपको कभी कुछ और सुनने को भी मिला? ऐसा है मनु जी कि मेरा तो जन्म ही मुंबई में हुआ। जी मेरे पिताजी सन 1940 के पहले मुंबई आ गए थे। जी यहाँ पर उन्होंने व्यापार वगैरह किया। जी तो मैं पैदा यही हुआ हूँ, लेकिन हम लोगों की जड़ें हमेशा गांव से जुड़ी रही। जी हम लोग हमेशा गर्मी की छुट्टियों में कहीं शादी विवाह में आते जाते थे। अभी भी मैं साल में 2-3 बार गांव आता जाता रहता हूँ। वहाँ की सारी परंपराएं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली भाषा सब, हमारे घर में हमारी भाषा ही बोली जाती है, तो इसीलिए मैं उससे खूब जुड़ा रहा। तो दोनों संस्कृतियों के साथ समन्वय करते हुए मैं मुंबई में मैंने अपना समय बिताया है। जी अभी तो वीनस वालों ने मेरा एक मेरी एक सीडी निकाली है जो मैंने अवधी भाषा में लिखी है। अवधि? हाँ, अवधि भाषा में मैंने सुंदर कांड पूरा लिखा जिसे अनूप जलोटा जी ने गाया है। क्या बात। तो हम अपनी भाषा से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम संस्कार वहाँ के हैं और कर्मनिष्ठा और मेहनत करने का जो आदत है वो मुंबई से मिली है। तो दोनों चीजों का समन्वय करके मैं आगे बढ़ता चला गया। सर आप बम्बई के माने जाने कवि हैं, आपसे एक बात और पूछनी चाहेंगे, कवि का कर्तव्य क्या होना चाहिए? देखिए कवि का कर्तव्य यही होना चाहिए जो कुनैन की गोली का होता है, जो शुगर कोटेड होती है। अच्छा। जैसे कुनैन की गोली है वो आदमी के जर्म्स मार देती है लेकिन खाते समय मीठी लगती है। जी कवि को ऐसा होना चाहिए जो लक्षणा में व्यंजना में बात करे। जी जी बहुत सारे कवि आज ऐसे हो गए जो सीधे आकर मंच पर तमाचों की बात करने लगते हैं। कवि को ऐसा नहीं होना चाहिए। जी कवि बातों को कह भी दे, सामने वाले को रस भी आ जाए, मजा भी आ जाए और उसको सीख भी मिल जाए। क्या यही कवि का काम है। तो आज के परिवेश को देखते हुए अगर आपने कुछ लिखा हो तो जरूर सुनाए सर। परिवेश तो ऐसा है कि हम तो बहुत सारी चीज़ों पे लिखते रहते हैं। जी जी मेरा काम ही यही है कि मुझे विषय दिए जाते हैं, मैं उस पर कविताएं लिखता हूँ। जी जी और पक्ष में भी लिखता हूँ, विपक्ष में भी लिखता हूँ। जी जैसे नोटबंदी हुई तो मैंने उसके पक्ष में तुरंत लिखा। जी मुझे लगा कि बहुत सकारात्मक है। अब नोटों पर चटनी पोते चाटते चटोरिए, छाते पीटे रोते गाते देख लो सटोरिए। क्या बात है। काले धन ने देश में सब गंद कर दिया, तेजी के प्रवाह को ही मंद कर दिया। मोदी के दिमाग का कमाल देख लो। क्या बात है। 500,000 को ही बंद कर दिया। क्या बात है। अब नोटों पर चटनी पोते चाटते चटोरिए, छाती पीटे रोते गाते देख लो सटोरिए। ऐसा एक लंबा गीत लिखा, इसमें दो बंद और हैं। जी तो ये गीत मैंने खूब पढ़ा। उसके बाद जब मैंने देखा कि नोटबंदी की वजह से और दूसरी बहुत सारी चीजों से कुछ अलग समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो मैंने दूसरा गीत लिखा। जी बताएं जरूर। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान, खाने को आलू ना मिलते उड़ता मंगलयान। गजब ये मेरा देश महान, कोई बूढ़ी अम्मा भूख के मारे रात को जगती है, उसका चूल्हा नहीं सुलगता, काया सिर्फ सुलगती है, सीमा पर मरना सैनिक का फर्ज बताया जाता है, और एक छक्के की कीमत यहाँ करोड़ों लगती है। अस्पताल में प्राण वायु लेती बच्चों की जान। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। इस तरह का एक दूसरा लंबा गीत लिखा जो उसे भी लोगों ने पसंद किया। तो कवि और साहित्यकार जो भी होते हैं वो आईने की तरह होते हैं। जी वो किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं होते। जी मैंने सामना के मुखपत्र में इतने वर्षों तक लिखा है, अभी भी लिख रहा हूँ, लेकिन मैं सामना शिवसेना का आदमी नहीं हूँ। जी मैं जनता का आदमी हूँ, जनता की बातों को जनता के सामने इस तरह से पहुँचाता हूँ कि समस्याएं लोगों की समझ में आ जाए। जी तो सर जैसा कि आपने बताया कवि के कर्तव्यों के बारे में, सर आपको जब भी पाया जाता है मुस्कुराते हुए और हंसते हुए पाया जाता है, क्या आप कभी दुखी नहीं होते या उसको आप छिपा ले जाते हैं अपनी मुस्कुराहट के बीच? असल में देखिए कहा गया कि साहित्य में एक ही रस है, करुण रस। जी वाल्मीकि रामायण की भी रचना करुण रस से ही शुरू हुई थी। जी कोई भी हास्य तब तक परिपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे करुण रस की धारा ना हो। जी तो आज के जमाने में कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी भी दुख वाले
किसी भी दुख को अगर हम लोग सकारात्मक रूप से लें और उससे एक सीख पाने की कोशिश करें तो हम बहुत खुश रह सकते हैं। साहब मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं, कोई समस्या भी आए तो उसमें सकारात्मक क्या है वो ढूंढ लूं, उससे कौन सी चीज अच्छी निकल सकती है वो ले लूं, बुरे को छोड़ करके आगे बढ़ जाऊं। मैं तो अपने बारे में एक मैंने फलसफा बनाया कि मैं जब चलूं तो ये रास्ता गुलाब हो जाए, मैं जब रुकूं तो ये दरिया शराब हो जाए, क्या बात, मेरे मालिक मुझे जीने का वो हुनर दे दे, छू लूं जर्रे को तो आफताब हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सर, कोई सुखद क्षण जो आपके अब तक के जीवन का सबसे सुखद क्षण होगा उसके बारे में जरा। मेरे जीवन का हर क्षण सुखद क्षण है क्योंकि मैं जब कुछ बोलता हूँ, मंच पर जाता हूँ, कविताएं सुनाता हूँ, लोग हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं जी, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की सबसे बड़ी इबादत मैं कर रहा हूँ और इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। सही बात। तो मैं तो मानता हूँ कि ऊपर वाले का दिया हुआ जीवन ये अपने आप में बहुत बड़ी नेमत है और इसका एक एक क्षण अगर हम जो जी रहे हैं तो वही सबसे बड़ा सुखद क्षण है साहब। और कभी भी अपने से ऊपर वाले को देखने वाला इंसान हमेशा दुखी रहता है जी। हम देखें तो हम दूसरों की तुलना में बहुत सुखी हैं, बहुत आनंदित हैं, तो हमें हमेशा अनवरत सुख की प्राप्ति होती है जी। सर ये तो आपने पूरी सुख की परिभाषा ही हम लोगों को समझा दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आगे बढ़ते बढ़ते बातों बातों में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके दिल के करीब आपकी कौन सी लेखनी है जो आपके दिल को सबसे ज्यादा छूती। ऐसा है कि देखिए जिस तरह कोई एक माँ होती है उसके 5-6 बच्चे हों और उससे पूछे कि कौन सा बच्चा आपको सबसे अच्छा लगता है जी, तो उत्तर नहीं दे पाएगी। उसी तरह रचनाकार के लिए उसकी हर रचना उसके बच्चे होते हैं जी, तो कभी भी किसी को कम और किसी को ज़्यादा कह करके वो नहीं कर सकते जी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी बन जाती हैं, तो जैसे आपने ये भी पूछा तो कभी कभी करुण रस में भी आदमी बहता है, तो बहुत तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने अभी 6 पंक्तियाँ अवधि भाषा में लिखी हैं। जब मनुष्य के जीवन का अंतिम समय आता है और उस समय की 6 पंक्तियों का वर्णन मैंने अवधि भाषा में किया। जरूर जरूर। तो अपनी अवधि भाषा सुनिए आप जी। जरूर जरूर। सुगनवा अर्थात प्राण पक्षी उड़ने वाला है जी, व्यक्ति अकेला हो गया जी। सुगनवा उड़ी जाई है अब मनवा बड़ा अकेला बा, क्या बात ई जाए का बेला बा, सुगनवा उड़ी जाई है अब मनवा बड़ा अकेला बा, ई जाए का बेला बाना, क्या बात, कब तक बोले मीठी बोली आई खड़ी दरवाजे डोली, कब तक बोले मीठी बोली आई खड़ी दरवाजे डोली, हाथ मले हम जोली, क्या हाथ मले हम जोली, लागल बाटे मेला बा, ई जाए का बेला बाना, सुगनवा उड़ी जाई है अब मनवा बड़ा अकेला बा, ई जाए का बेला बाना। और जिस समय बुलावा आ जाता है चाहे राजा हो या रंक, उसे जाना ही होता है। क्यों जाना होता है, कई के सोर हो सिंगार, सुगनवा जाए के तैयार नहीं बाटे अब इनकार, सुगनवा जाए के तैयार बोलौले बाट उ सरदार के, जेकर खेला बा ई जाए का बेला बाना। और आखिरी दो पंक्तियों में मैंने उस दर्शन को आवाज दी है जी। जो चला जाता है हम लोग बहुत दुखी होते हैं, छाती पीटते हैं, क्या पता वही मुक्त हो गया हो, हम ही यहाँ पर फंसे हुए हैं जी। उसको मैंने आवाज दी, रोवे साथी संगी मीत के कर हार बके कर जीत, रोवे साथी संगी मीत के कर हार बके कर जीत, एक दिन जाई कुल संसार के ठेली ठेला बा, क्या बात, ई जाए का बेला बाना। बहुत सर, बहुत ही मधुर आप गाते भी हैं और
सर हर रचना के पीछे, हर कलाकार के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है, तो सर आपके पीछे वो कौन सी प्रेरणा है? मेरी हाथ से कविताओं के पीछे तो मेरी पत्नी का बेलन ही प्रेरणा है। जी जी मुझे हाथ से कवि बनने के लिए प्रेरित किया जी, तो उसी से मैं बना हूं साहब, और कोई प्रेरणा दूसरी तो नजर नहीं आती। सर हमारे बहुत से ऐसे नवयुवक हैं जो भविष्य में कविताएं लिखना चाहते हैं, भविष्य में लेखनी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका उनको क्या निर्देशन होगा? मेरा निर्देश यही है भाई कि खूब पढ़िए जी। आजकल जब से लोगों के हाथों में मोबाइल आ गया है, किताबें लोगों के हाथों में नजर नहीं आती जी, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप दुनिया को समझेंगे नहीं। हमसे बड़े लोगों ने पहले दुनिया का सब कुछ लिख गए हैं। महाकवि निराला एक बार तुलसीदास की मूर्ति पर जूते बरसा रहे थे जी। किसी ने पूछा कि आप तुलसीदास को जूते क्यों बरसा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ तो लिख गया है, मैं क्या लिखूं। इसीलिए मैं मान रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है जी। तो ये बात याद रखी कि हमसे पहले के लोगों ने दुनिया का सब कुछ लिख डाला है जी। हमें केवल उनको पढ़ करके अपने शब्दों में ढालना है जी। तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसके लिए परिश्रम केवल इतना है कि आप पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तब आप उल्टा सुलटा लिखेंगे। एक लाख लाइन पढ़ लीजिए तब एक लाइन लिखने के आप अधिकारी हो जाते। क्या बात है सर। तो मुझे यकीन है कि हमारे नए दर्शक जो है, जो नवयुवा है, वो इससे कुछ ना कुछ सीख लेंगे। सर कुछ बातें व्यक्तिगत भी हो जाए, हम ये सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे दर्शकों को नवयुवक बता के आपने मेरी उम्र पर जो उंगली उठाई है उससे मैं बड़ा हतप्रभ हो गया हूँ। कोई बात नहीं, मेरे बाल उड़ गए, इतना मैं बूढ़ा नहीं हूँ। पूछिए। बिल्कुल सर, आप सर बड़ा ही रोचक है आपसे बात करना, लेकिन समय की पाबंदी है, और सर बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसमें मुझे लगता है जो बहुत बचे हुए हैं, हम लोग उस पर बातें करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों ये थे महेश दुबे जी, बहुत जल्द ही एक नए व्यक्तित्व के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।